हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आज सफाई में जुटी हूँ। एक बार तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन धीरे धीरे से दो दो बॉक्स भी करती रहूँगी तब भी हो जाएगा 3-4 दिनों में। अब बहुत ज़रूरी बात है, वो मैं आपको बताऊँगी। दो कारण है ये डीपली सफाई करने के, वो आपको आओगे वीडियो में पता लग जाएगा। एक तो होता है गर्मियों की वजह से, एक और है कोई आने वाला है तो मतलब धुएं की वजह से ना यहाँ पे गंदे हो जाते हैं। और ये देखो, ये मैं बिल्कुल साफ़ कर रही थी इनको। और वो क्या बोलते हैं उसको, क्लीनर क्या बोलते हैं उसको, जो इनमें ना ऐसे वो करके फिर वो कपड़ा मारो और भी साफ़ हो जाते हैं, वो बोला था मैंने हनी को। मैंने कल हनी लेते आना, बहुत पहले बहुत गंदे थे ये, हो गए थे। पानी पुनी पड़ता रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है तो इस तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं ना जल्दी। अभी तो सिर्फ ये हुआ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सिर्फ ये हुए 4 मिनट से, 2 ये इस साइड और 2 इस साइड है, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी देखो ऊपर वाले कि कैसे हैं और ये नीचे वाले कितने बढ़िया हो गए। और बाहर में सालदानी वगैरह धो के रखी है, इसको बाद में करूँगी। मैं बहुत बहुत थकान हो गई है मेरे को, अब इसका बाद में करूँगी जो भी कुछ होगा। तो अभी 3 बज रहे हैं, 3 ही 4 बजने को है, और मैं जा रही हूँ गांव में। ये हमारे यहाँ पे धाम साथ के गांव में, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। बाकी ऊपर आ गई हैं, पता नहीं कौन कौन जा रहा होगा। फ़ोन किया था निर्मला दीदी ने, धूप बहुत है और मेरे को ना जल्दी आना पड़ेगा। ये देखो, मुझे आना भी जल्दी है। फोन तो मैं रख ही देती हूँ, अभी ये गर्म हो जाएगा धूप में। ये सूट बड़ा अच्छा है हल्का गर्मी में पहनने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हैं उनके, और हमारे लिए ठंडा आ गया था तो हमने ठंडा पिया। ड्यू था शायद, क्या था। तो ये देखो, ये इनका घर है, इनके है प्रोग्राम। और जाता है मतलब देवता आए हुए, 3 देवता, गण देवता, बाटू बाड़ा और अपने धार वाले देवता जी आज आएंगे। तो हम चली गई थी मैं दिन को, क्योंकि शाम को फिर लेट हो जाते हैं, फिर आके और काम नहीं होता है ना। अगर हम गाय वगैरह दुख के जाते हैं ना तो फिर आके और काम नहीं होता। निर्मला दीदी थी, मैं थी, एक और थी हमारे साथ है, ठीक है। तो ये देखो कितना प्यारा सजा रखा है, आज भी इनके प्रोग्राम है, कल भी था, अगले कल भी है। तो चलिए अब हम यहाँ से इन गांव की गलियों में से गुजरते हुए खाने को आगे, एक सामुदायिक भवन है जहाँ पे ये खाने पीने का करते हैं इस गांव के लोग। और वहाँ पे जो है ना, ये खाने मतलब फंक्शन अपने घर में होता है कोई भी, लेकिन जो धाम वगैरह होती है वो वहीं पे बनती है इसी सामुदायिक भवन में, ठीक है। ये देखो, तो ये हम निकल रहे थे यहाँ से और पहुँचने वाले आगे, थोड़ा आगे सड़क के साथ ही इनका जो सामुदायिक भवन है। और उसके बाद हम बैठ गए थे खाने, देवता को देखा थोड़ी देर नाचते हुए, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा नहीं लगता फिर कोई बोले कि नहीं बनानी इस तरह के काम जो भी है। और फिर यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग खाने, तो 3-4 सब्जियाँ खाई और थोड़ा थोड़े से चावल खाए, ज़्यादा नहीं खाए, तो 3-4 सब्जियाँ खाई। और ये देखो चावल, और ये आ गई थी शेपू, बढ़िया थी, आलू राजमा थे, मास्क दाल थी और कढ़ी थी, मीठा था। आलू राजमा गिन दिए ना मैंने, हाँ अमला भी था, कद्दू अमला। और बहुत कम टाइम जो है लगाया मैंने, मुझे 5 बजे से पहले ना घर पहुंचना है क्योंकि मैंने गाय दी है। चलो, और सभी मिल रहे थे और मैं तो भाग भाग के जा रही हूँ कि क्योंकि मेरे ना लेट ना हो जाऊँ मैं कहीं, इसलिए। चलो एक से बढ़कर एक घर है यहाँ पे।
ये देखो 4:55 हुए, ये हुए भी चल रहे पर इतनी बार नौकर तुझे मेरी मानी तो ये देखो। और अभी जो निर्मला दीदी गई थी ना मेरे साथ वो भी रुक गई परे, क्योंकि उसके दूने का नहीं है कुछ नहीं ना, उसने मतलब वो दूने का तो है उसके पशु है पर वो शाम के टाइम दूध नहीं देते ने, इसलिए दीदी रुक गए परे और मेरे को हो गई भाई लेट। ठीक है मेरे को लेट हो गई, 5:55 यहाँ मिल गई थी मेरे को एक बेचारी, उसके साथ बातों में लग गई थी। और चलो मैंने पता मैंने नहीं जाना था, पर मेरा प्लान है आज मैं हो सकता है मैं बनिया देवी जाऊं, जागरण है आज तो हो सकता है मैं बनिया देवी जाऊं। मैं कर रही हूँ मैं सफाइयाँ क्योंकि मेरे मेहमान आ रहे हैं विदेश से, बस मैं इतना ही बताऊंगी आपको, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगी। मेरे मेहमान आ रहे हैं विदेश से और तो फिर वो रुकेंगे मेरे पास, वो तो होटल का पता कर रहे थे कि हमारे को होटल का पता बता दो कौन सा होटल अच्छा है। तो मैंने बोला कि नहीं दीदी यार पिछले 4 सालों से आप मुझे देखते हो, मैं ये तो नहीं बोलती कि बहुत अच्छी सुविधा आपको दे पाऊँगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ होती हैं ना, उतना तो मैं शायद नहीं दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्यार से रखूँगी क्योंकि अब जितना है हमारे उतना ही है, हो जाएगा जब निचली मंजिल तैयार हो जाएगी ना फिर हमारे काफ़ी सारा हो जाएगा, फिर नहीं होगी मेरे दिक्कत, निचला बाथरूम भी जब तैयार हो जाएगा नए वाला, लेकिन एकदम से इतना कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और अन्नी के पापा का अगर कहीं काम वगैरह दिहाड़ी दूटी लग जाए ना फिर तो चलो कर देंगे कैसे ना कैसे करके, अगर मैं यहाँ गिरी ना और धाम पच गई मेरे को तो मेरे फ़ोन के शुभ शुभ बोलो नो नो जय माता दी। चप्पलें लेके आई हूँ मैं तो चलो, ये भी बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और वो सामने हमारा गांव दिख रहा है। ठीक है तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन आ रहा है मेरे मेहमान, आप लोग गैस करना, वैसे विदेश ही बताऊंगी मैं बस, और शायद वो आज नहीं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन बता दूं बस बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा जो है ना, अब एक होती है क्लीनिंग वो तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन एक डीप क्लीनिंग होती है ना वो कभी कभी होती है, उसको रोज़ नहीं कर पाते, तो वो पड़ा हुआ मेरे को काम। चलो आलू राजमा कड़ी शेपुगड़िया मीठा मार दाल और भी था कुछ पता नहीं क्या था, मेरे से पूछ रहे हैं भाई क्या क्या सब्जियां थी, मैं भी जाया हूँ, मैंने कहा देख लो तेती था दे गण आचू गण था और बाडू बाड़ा था तारा ने बुआना समझ आ गए भाई, मेरे को नींद लगी, मैं आज दिन को नहीं सोई हूँ सच में, मेरे सूट का रंग बहुत प्यारा है ना, किस किस को अच्छा लगा मेरे सूट का रंग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कल वो जिंद दुखड़े इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली अभी इन कपड़ों से, तो ये देखो यहाँ पे जो है आके ही ना फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, गायों को धोया, उसके बाद मेरे को ना कई दिनों से ये टमाटर यहाँ पे दिख रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि प्लीज़ सख्त हो चुका है बारिश नहीं है मेरे से नहीं गड्ढे जाएंगे, ये जो इनमें लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए वो नहीं मेरे से होगा आप कर दो, लेकिन ये सुनते ही नहीं थे, अब नहीं सुनते थे तो फिर मेरे को तो करना ही था ना, क्योंकि मैं बच्चों की तरह पाली ये डालियाँ तो ऐसे ख़राब हो जाती हैं तो फिर दुख होता है ना, तो मैं बस ऐसे बहुत ज़ोर लग रहा था, नहीं पापा देखो उधर घूम रहे थे पर मेरे साथ नहीं आ रहे थे, उधर घूम रहे थे इधर उधर जा रहे थे ये कहीं एक्चुअली, वैसे इन्होंने कर देना था। तो ये देखो और फिर थोड़ा नज़दीक जैसे मैं फ़ोन कर रही थी, और आज ना सिया ने मेरे को बहुत ज़ोर की लात मारी है, बहुत ज़ोर की, नहीं भाई बहुत ज़ोर लग रहा था मेरे इनमें बहुत ज़्यादा ज़ोर,
ये देखो, क्योंकि मेरे को कई दिनों से दिख रहा था, मेरे टमाटर लगे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, छोटे छोटे से टमाटर लगे हैं। कितना बुरा लगता है ना अपने मुंह के पास इस तरह से भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो चलिए वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे लगाया है टमाटरों को अपने, जिसको बोलते हैं हम बाड़ बोलते हैं, चून बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, सच में थक चुकी हूँ, ये इतना सख्त है ना, मैं सच्ची क्या बताऊँ। देखो ये इस तरह से हम लगाते हैं, थोड़ा मतलब कहीं कहीं छोटे रह गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ती हैं। और ये वही हैं, ये वही छाटे हैं जो टमाटर के लिए लगाते। जोजू जोजू कहाँ बैठा है, ये देखो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, टमाटर लग भी गए, ये लेट हो गया लगाने को, मैं इतने दिनों से बोल रही थी चलो चलो पर चलो चलो पर पीछे पीछे हटो चलो आगे में चलो, यहाँ नहीं आना है ना, यहाँ नहीं आना बिल्कुल नहीं बेटा। ये देखो ये लगा दिए मैंने तेरे को यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आना। और ये देखो छुटकू सा टमाटर लग गया छुटकू सा, और ये पत्ते हो गए इनके कटने को, ये पत्ते, ये नीचे वाले पत्ते ना कैंची से काटने पड़ेंगे। तो जो जो पानी छिड़ने को भी हो गए, पानी भी मांग रहे हैं अभी ना। तो ये लो जी, इस तरह से इनको सपोर्ट चाहिए होता है। ये टमाटर की डाली है और तीनों था साइड से, अभी इनको सपोर्ट मिल गया, काफ़ी है। अगर इनमें भी लगते रहे ना टमाटर तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गुजारा है इनसे हमारा। ये देखो परे, पिछली बार पर ले ना परे सड़ गए थे वहाँ पे, यहीं पे करूँगी मैं वीडियो का एंड भी, और फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। धनिया कितना अच्छा रखा है ना, बहुत अच्छा हो रखा है धनिया। और मुझे अभी वीडियो एडिट करनी है, तो जय माता दी, राम राम। मैं दिन को नहीं सोई आज, मैं चली गई थी, आप लोगों को पता है मैं चली गई थी खाने धाम, और मैं सोई नहीं, तो मेरे को बहुत सिर भारी भारी ऐसा होता है ना, सिर भारी होता है। और बच्चे को देख, बच्चू कहाँ लेटे हैं आप, कहाँ लेटे बाबू आप, मैं थी ना यहाँ पे, तो इसको यहीं लेटना है, जहाँ पे इसकी मम्मा बैठेगी ना ये वहीं बैठेगा। मैं यहाँ पे लगा रही थी ना बाहर, तो ये कुत्ता यूं ही पे आ गया। ये देखो दूसरा कैमरा करते हैं ऑन, जिसमें दोनों चले हुए। देखो इसकी जीभ में ना, देखो किस तरह की जीभ है इसकी, काले चाले जैसे दाग है इसमें, है ना, देखा आप लोगों ने। तो चलो जय माता दी, राम राम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। वो बच्चू गच्चू का मम्मा वीडियो बनवा रहा है, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी सुंदरी। धूप लगी है बाबू, कल मैंने इसके, आज वैसे तो मैं रोज़ धोती हूँ इसके बर्तन, ना कई बार रह जाते हैं। देखो जीभ कैसे निकाल रखी, वह मेरा बच्चा, गर्मी है इसको बहुत है। तो चलो जय माता दी, राम राम। आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा है, देखो हमारे टमाटर भी हो गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय माता दी, राम राम।